हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको गणपति बनाने बता रहे हैं। देखिए, हमने येलो कलर लिया है, हल्दी वाला। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ये हमने गणपति बनाने हैं। एक वाइट लिया है उनके दांत के लिए और ब्लैक लिया है उनकी आँखों के लिए। आप रेडीमेड आँख लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। कई बार वो मिलती नहीं, पॉसिबल नहीं होता, तो काले धागे से हम उनकी आँख बनाएंगे। और क्रोशिया लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे और आप उसको पूरा देखिए। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम आपके फ्रेंड्स भी इनको देखें और आगे शेयर करें, लाइक करें। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रा पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम पहले यहाँ पे एक मैजिक गांठ लगाएंगे। आप कलर उन कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। देखिए, अभी हम पहले यहाँ तीन चेन बनाएंगे। एक, एक, दो और तीन। ये हमने तीन चेन बनाई। अब हम इस सर्कल में 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक चेन वाला हो गया, एक ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसको खींच लेंगे। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 14 का ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी हमने इसको खींच लिया। देखिए, ये हमारा यहाँ से टाइट हो गया है। और इसको अभी हम, ये देखिए, यहाँ से भी हमने तीन चेन डाली थी। ये हमने तीन चेन डाली थी, जो हमारी ऊपर तीसरी चेन है उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये देखिए, ये तो आम हम लोग थाल पोस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी ऐसे सर्कल बनाते ही हैं, सेम वही चीज़ है। देखिए, ये हमारे 14 हो गए। अब हम एक, दो और तीन, तीन हमने फिर से चेन डाली और ये वहीं पे हमने वापस से इसको, देखिए, ये हमने वापस वहीं डबल क्रोशिया डाला। अब हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक, सब में हमको 14 है, तो ये 14 का हमारा 28 क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे। यही हम देखिए, ये हम अभी लास्ट में आ गए हैं। यहाँ तक सब में हमने दो दो डबल क्रोशिया डाल लिया है। पहले हमारे 14 थे, 14 थे, अब 28 हो गए हैं। अब हम यहाँ, ये देखिए, ये हमने तीन चेन डाली थी, ये तीसरी वाली चेन में हम इसको फिर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरा सर्कल पूरा बन गया है। अब हम वापस तीन चेन डालेंगे। देखिए, एक, दो, तीन।
अब हम यहाँ पे जहाँ हमने बनाया है यहीं पे अभी हम एक और क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार ये देखिए सिंगल को बनाएंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, ये देखिए अब हमने यहाँ पे डबल बनाया है। अब फिर एक सिंगल बनाएंगे और फिर अगले वाले में डबल बनाएंगे। एक बार हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार चेन में एक डालेंगे और एक बार चेन में दो डबल क्रोशिया डालेंगे। इसी देखिए सब सेम जो हम लोग तोरण बनाते हैं या कुछ भी राउंड वाला बनाते हैं वो सेम उसी तरह से हमको बनाना है, कोई फ़र्क नहीं है। बस हमको ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये लूज़ लग रहा है तो आप एक डबल क्रोशिया के बाद हम डबल डालते हैं, दो डालते हैं तो आप दो के बाद भी डाल सकते हैं। ये देखिए अभी हम एक एक डाले हैं, अब हम इसमें डबल डाले हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई लूज़ ज़्यादा हो रहा है, हाथ ढीला है, तो आप दो बार डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल डाल के उसमें फिर से एक में डबल क्रोशिया डाल सकते हैं। ये बस ये इस बात का ध्यान रखिए कि ये ना तो ऐसे इकट्ठा हो और ना ही बहुत सारा ढीला हो जाए। इसके लिए अभी हम इसको पूरा इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक बार डबल डालेंगे, एक बार दो बार दो डबल क्रोशिया डालेंगे एक चेन में और एक बार एक डबल क्रोशिया डालेंगे। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक दो तीन, हमने तीसरा सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है। ये तीन सर्कल में हमारे गणपति जी का फेस बन गया है। अभी देखिए एक दो दे तीन, तीसरे वाले चेन में हम वापस से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से तीन चेन डालेंगे, एक दो तीन और आठ सोलह चौदह, हम इसमें डबल क्रोशिया डालेंगे साथ साथ, एक एक में दो दो डालेंगे। देखिए एक हमारा चेन वाला हो गया है और एक हमने डाल दिया, एक दो हो गए हैं, तीन उसी में हमने वापस डाला, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह उसी में डाल तो चौदह। ये देखिए हमने अभी एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के अंदर हमने चौदह डबल क्रोशिया डाल दी है, एक के अंदर दो दो डाल दिया है। अब हम एक चेन करेंगे, टर्न करेंगे और इसके अंदर हम सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए हमको बल सॉरी देखिए एक चेन डाली और उसके बाद हम यहाँ पे वापस एक एक हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे।
ऐसे भी हम एक छोड़ के इसमें हाफ डबल क्रोशिया डाल देंगे, सब में डालेंगे। सब में हम एक एक डबल हाफ डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। ये देखिए, ये भी हमने सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया डाल दिया है। ये देखिए हमारा ये गणपति जी का जो कान है वो कान तैयार होगा। अब हम यहाँ से धागे को काट देंगे, यहाँ से धागे को हम काट देंगे। अब हम इसको अच्छे से पैक करके इसको अंदर से अंदर को इसको हम अंदर अच्छे से इसको पैक कर देंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम काट देंगे। ये देखिए, ये हमारा एक कान तैयार हो गया। अब हम यहाँ से बाद में इसको भी काट देंगे। एक कान हमारा तैयार हो गया है। अब हम इनका मुकुट बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए यहाँ से हम चार चेन छोड़ेंगे, एक दो तीन और चार। पांचवी चेन में हम इसको ज्वाइन करेंगे। हमने चार चेन छोड़ी, एक दो तीन चार, और पांचवी चेन में हमने अब हम इसमें आठ डबल क्रोशिया डालेंगे। एक एक में सिंगल सिंगल में सिंगल आठ डबल क्रोशिया डालेंगे। दो, एक हमारा चेन वाला हो गया, एक ये हो गया, दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। ये हमने आठ डबल सिंगल सिंगल में आठ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और अब हम इसमें एक एक कम करेंगे दोनों साइड से और हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक दो दो तीन चार पाँच और छः। देखिए, फिर हम एक चेन बनाएंगे इस तरह। हम देखिए छः हुआ था, अब हम एक कम करेंगे, यहाँ से एक कम करेंगे और यहाँ से भी हम इसको चार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन
ऊंचा। अब हम फिर से वापस बनाएंगे, उल्टा करेंगे और अब हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर एक चेन बनाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे अब हम इनका यहाँ पे इनको टच कर इसके साथ में लगा के यहाँ से भी हम इनको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके काट देंगे। यहाँ से अब हम इनको ये भी हम यहाँ से इसको धागे को काट देंगे। ये देखिए ये हमारा का मुकुट तैयार हो गया है। ये हमने पहले 8 डाले थे, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर लास्ट में इसको ज्वाइंट करके हमने यहाँ पे इनकी इनका मुकुट बना दिया है। अब देखिए अभी यहाँ से भी हम इसका भी धागा काट देंगे। देखिए यहाँ से धागा काट दिया है। अब हम ये देखिए हमारा एक कान इनका बन गया गणपति जी का, एक मुकुट भी बन गया है। अभी हमने जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 छोड़े थे, इसी तरह 1, 2, 3, 4 चेन छोड़कर पांचवें चेन में हम इनके इसी तरह का ये देखिए यहाँ से हमने कान बनाए थे ना, 1, 2, 3, 4 चेन छोड़ी थी, इसी तरह हमने इधर से भी 1, 2, 3, 4 चेन छोड़ के इधर गणपति जी का दूसरा कान भी बनाएंगे हम। यहाँ से भी हम जैसे उधर हमने एक एक में पहले 3 चेन डालेंगे, एक दो और 3, और 3, ये हमने 3 चेन डाली। और जैसे ही साइड में हमने 7 क्रोशिए के अंदर चेन के अंदर डबल डबल क्रोशिया बना के 14 बनाए थे, उसी तरह हम इधर भी 14 बनाएंगे। देखिए 2 हम चेन बनाते हैं उसको भी एक साथ में गिन लेते हैं, 3 4 5 सबको हमको 2-2 डालने हैं। देखिए हमने 2 डाले, अब यहाँ भी दूसरे वाले में भी 2 डालेंगे, 4 हो गए। अब इसमें भी 2 डालेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखिए हमने 7 के अंदर ये 14 जैसे इधर डाले थे उसी तरह सेम इधर भी हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 डाल लिए हैं। हमने 7 में डाला, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 के अंदर हमने 14 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब हम इस एक चेन करेंगे और यहाँ से भी हम वापस ये देखिए 3 का एक करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे दूसरी साइड बनाया था उसी तरह इधर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे
गणपति जी के कान बन गए। ये भी हमने गणपति जी के कान बन गए, जैसे हमने इस साइड में बनाए थे उसी तरह इस साइड भी बना दिए। अब हम यहाँ से धागा काट देंगे। ये भी हम बाद में सारे धागे अंदर की साइड में कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे गणपति जी के कान हो गए हैं, ये उनका मुकुट हो गया है। अब हम उनकी सोंड बनाएंगे। ये हमारे गणपति जी का बेस तैयार हो गया है। देखिए, हमने दोनों कान बना लिए हैं और ये मुकुट भी बना लिया। अभी हम इनकी सोंड बनाएंगे। देखिए, सोंड बनाने के लिए हमको सीधे साइड में ही बनानी है। ये देखिए, ये हमारा सीधे साइड में हमको बनाना है। ये देखिए, अभी यहाँ से भी हम इनकी सूंड बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से अभी यहाँ से इसको धागा डालेंगे। पहले हम इसको गांठ लगा लेते हैं। और ये जो हमारा हमने 28 फंदे डाले थे उसमें हम यहाँ से 14 हमने गणपति जी की सोंड बनाने के लिए उठाने हैं। देखिए, यहाँ से भी हम उठाएंगे और देखिए यहाँ से भी हम इसको एक चेन डालेंगे। और उसके बाद हर जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर से हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर से हम इसको भी उठाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको 14 क्रोशिया बना लेंगे। हम एक एक छोड़ते जाएंगे क्योंकि हमने 28 बनाए थे। एक एक हम ऐसे इसका ऐसे हमारी ये जो देखिए चेन आ रही है, इस तरह चेन हमारी आती जाएगी। आपको याद ध्यान रखना है कि एक बनाना है, एक में बनाना है और एक में हमको छोड़ना है। इस तरह ये हमारे 14 चेन बन जाएंगे। हाथ टाइट नहीं करना है, हाथ टाइट करेंगे तो यहाँ से हमारा टाइट हो जाएगा। आप इसको किसी भी कलर में आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह
एक एक बनाना है और एक एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने 28 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन हमको एक एक बनाना है और एक एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है। तो हमारी ये 14 चेन हो जाएंगी। ये देखिए, अभी हम गिनेंगे, ऐसे हमारा ये कि बन जाएगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हमारे 13 हो गए। और यहाँ पे भी एक हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से अभी हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमारे देखिए 14 हमारी डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर ये देखिए इस धागे को हम अंदर कर देंगे। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए, हमको कुछ और नहीं करना है। देखिए, ऐसे हम सब में स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। तो कोई बल नहीं देना है, कोई चुन्नट नहीं है, कुछ नहीं है, सब में एक एक में एक एक ही डालना है। सब में हम एक एक में एक एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। बड़ा बनाने के लिए आप, हमने 3 सर्कल लगाए हैं, आप 4 सर्कल लगा सकते हैं, तो उसमें बड़ा बन जाएगा। देखिए, अभी लास्ट में आए, यहाँ पे भी हम इसको, ये हमारा एक बचा है, इसको करके अब ये देखिए यहाँ पे भी हम इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा सोट बनना शुरू हो गया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये राइट साइड में करना है, ये हमारा उल्टा ही साइड है, इसमें नहीं बनानी है हमको, राइट साइड में ही बनानी है। इसी तरह हम इसको 7 सर्कल इसके बना लेंगे, हमको ना घटाना है ना बढ़ाना है, 7 सर्कल हम लगा लेंगे। एक हमारा हो गया है, अब हम 6 और बनाएंगे, इसी में स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। देखिए, इसी तरह हम इसका 7 सर्कल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 7 लाइन डालनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो 7 का 8 भी बना सकते हैं। अभी हमने 7 बनाई है, अभी हम इसको कम करेंगे 7। देखिए, अभी हमारे 14 घर थे, अब हम इसको 14 घर की जगह यहाँ पे देखिए, अभी हम इसको 3 का 1 कर देंगे। ये हम 3 का, हमने पहले 2 का मतलब एक एक कर रहे थे हम, वैसे एक एक सिंगल सिंगल डाल रहे थे, सिंगल में सिंगल, अब हम इसका एक 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 बार इसको 3 का 1 कर दिया। अब हम इसको पूरा सर्कल ऐसे ही बना लेंगे। इसी तरह हम 6-7 लाइन ऐसे ही डाल लेंगे। जब वापस 6-7 लाइन के बाद फिर इसको कम करेंगे, ऐसे करते करते हम इनकी सोंट बना लेंगे। आपको जितनी लंबी सोंट बनानी है आप उतनी लंबी सोंट बना सकते हैं। हमारे ये 14 थे, 14 का 13, 2 कम हो गए हमारे, 12 रह गए। इसी तरह हम इसको करते करते जब लंबा करके, ये देखिए ये अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे आए। अब हम यहाँ पे भी
ये दो का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारे जो गणपति जी की सोंठ है वो थोड़ी छोटी होती है, पतली होती जाएगी, क्योंकि सोंठ हमेशा ऊपर से मोटी और नीचे से पतली होती है। इसी तरह हम भी इनका जितनी लंबाई बनानी है उसके हिसाब से हम कम करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे लगातार नहीं घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर घटाएंगे तो फिर एकदम नीचे जाके एकदम पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए हम ये भी 6-7 लाइन में 2-3 घर घटा देंगे, ताकि धीरे धीरे इनकी जो सोंठ है वो धीरे धीरे से पतली हो। एकदम से पतली हो जाएगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही हम की सोंठ धीरे धीरे देखिए यहाँ से कम हो गया है। इसी तरह हम धीरे धीरे कम करते करते इनकी सोंठ लंबाई पूरी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने गणपति जी की सोंठ बना दी है। देखिए बना दी है, ये देखिए इतनी लंबी हमने बनाई है। आप चाहें तो इसे छोटी भी बना सकते हैं, चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर से धागा निकाल के इनको इसको धागे को यहाँ से काट देंगे। अभी हम यहाँ से धागा काट देंगे, देखिए काट के अभी इसको अंदर करेंगे। हम यहाँ से इसको क्रोशिया अंदर डालेंगे और यहाँ से इसको धागे को खींच कर, देखिए यहाँ से धागा खींच के हम इसको अंदर कर देंगे। इस तरह हम इनको अच्छे से धागे को आप सुई में डालकर भी कर सकते हैं और क्रोशिए से भी अंदर कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा इसको कर दीजिए। ये देखिए ये हमारी इनकी गणपति जी की सोंठ भी तैयार हो गई है। ये देखिए आप ऐसे इसको टर्न करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसकी सोंठ बना सकते हैं। चलिए अभी ये तो हो गया पूरा, तो अब हम गणपति जी के दांत बनाते हैं। देखिए दांत बनाने के लिए हमने बताया था वाइट धागा लेंगे, वाइट यहाँ से भी हम इनकी सोंठ को ऊपर करेंगे और यहाँ पे हम इनके यहाँ पे पकड़ के यहाँ से भी हम इनको इनका दांत बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से दांत बनाएंगे हम। देखिए ये ध्यान रखना, ये ऊपर का जो हमारा हिस्सा है ये उनका मुकुट है, ये कान है। इस सोंठ के नीचे का हिस्सा हम लेंगे, यहाँ से भी हम इनको देखिएगा यहाँ से बाद में हम ये वाला धागा भी अंदर की तरफ खींच देंगे। देखिए अभी हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन हम बनाएंगे और 6 चेन बनाकर हम इसको डबल क्रोशिया, इसको भी हम डबल क्रोशिया से इनको बनाएंगे। यहाँ से हम 1-2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में हम इनका यहाँ से दांत डबल क्रोशिया लेंगे। चार, पाँच,
हमने यहाँ ये पांच बना दिए। यहाँ से अभी हम इसको वापस यहाँ पे अभी हमने को इसको स्लिप स्टिच से यहाँ यहाँ पे भी हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये इनका एक दांत, ये देखिए ये इनका एक दांत यहाँ से बन गया, ये देखिए इनका एक दांत हो गया है। अब हम इसका दूसरा दांत बनाएंगे। दूसरा दांत बनाने के लिए हम यहाँ चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन डाली हमने। और आप देख लीजिए अगर यहाँ तक नहीं आ, देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसकी चेन ज़्यादा भी कर सकते हैं, सात आठ नौ दस ग्यारह। अब आप इसको ऐसे नाप के देख लीजिए कि इनकी, हाँ देखिए अभी ग्यारह में हमारा है। आप ये देखिए यहाँ से इनका ये दांत बन गया है इस साइड में, और इस साइड ऐसे ही इसको हम थोड़ा सा कर देंगे ताकि ये दांत बना, और ऐसे ही हम इस साइड भी इनका दूसरा दांत बना देंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम इसको जैसे वहाँ लास्ट वो किया है, यहाँ भी हम इनको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। यहाँ अभी हम वहाँ सात चेन डाली थी, यहाँ हम पांच चेन डालेंगे, तीन चार पांच, क्योंकि राइट साइड का इनका दांत जो है वो छोटा होता है। इसके लिए अभी यहाँ हम पांच चेन डालेंगे और दो छोड़ के यहाँ भी उसी तरह हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक अब यहाँ पे भी हम इनको यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे भी इनका यहीं पे हम वापस से स्लिप स्टिच से इनको जोड़ देंगे। यहाँ से भी हम इनको यहाँ से धागा काट देंगे, यहाँ से ये देखिए ये हमारे यहाँ से आप ऐसे, ये तो धागा कट जाएगा, ये देखिए यहाँ से इनके एक उनका एक दांत बड़ा होता है और एक छोटा होता है। राइट साइड का छोटा होता है इसलिए हम राइट साइड का छोटा बनाया है और लेफ्ट साइड का हमने बड़ा दांत बनाया है। देखिए अब हम इसको यहाँ से धागे को काट देंगे, यहाँ से भी धागा काट देंगे। धागा काटेंगे, इसे धागा काट दी। अब हम इन धागे को, दोनों धागों को हम इधर पीछे खींच लेंगे। ये देखिए यहाँ से देखिए अभी हम इनको यहाँ से खींच लेंगे, धागे को अंदर अंदर की साइड में ले लेंगे। इसी तरह ये वाला धागा भी हम अंदर की साइड में ले लेंगे ताकि ये हमारे जो धागे हैं ऊपर दिखे नहीं। इस तरह हमारे गणपति जी के ये दांत भी बन गए हैं, और अंदर की साइड में हम धागों को अंदर से पैक कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ पे हम पैक करेंगे। यहाँ पे जो इतना सा धागा है वो उसको हम काट देंगे। इसी तरह हम ये वाला धागा और ये वाला दोनों धागे हम इनको भी इसी तरह हम अंदर की साइड में कर देंगे।
इसी तरह इसको भी हम अंदर करते हैं। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम काट देंगे। ये हमारे गणपति जी तो हो गए तैयार, लेकिन अभी इनकी आंखें बाकी हैं। अब हम आंखें लगाएंगे। जैसे गणपति वहाँ, अभी आप इनको बना के अपने मंदिर में रखिए, अपने कहीं भी आप इनको रख सकते हैं। अब देखिए हमने काला धागा ऊन ले ली है, इससे हम इनकी अभी आंखें बनाएंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास हो तो आप जो रेडीमेड आंखें आती हैं वो भी लगा सकते हैं, कई बार घर में नहीं होती, इसके लिए अभी हम यहाँ पे इनकी ऐसे ही ब्लैक आंख बना देते हैं। ऐसे ही हम ब्लैक आंख इनकी बना देंगे। हमारी इनकी गणपति जी की आंखें बन गई, इसी तरह हम इधर भी लगा लेंगे। जैसे हमने उस साइड लगाई है उसी तरह हम इस साइड भी इनकी आँख बना दें। देखिए यहाँ से हमने बनाई और इसी तरह हम यहाँ से भी बना दें। हमने इनकी देखी, यह इनकी आँखें बन गई, हमारे गणपति जी रेडी हो गए। अभी आप इसके ऊपर कुछ सजाना चाहें, लगाना चाहें, ये देखिए बैक साइड से हमने कर दिए। और अगर आप कहीं टांगना भी चाहें तो भी इसको देखिए टांग सकते हैं हम, पर पीछे से इनका बनाते हैं। ये देखिए आप इनको किसी भी, अगर घर में खीला है कुछ है तो उसमें लगा के इनको टांग सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, घर में कहीं भी लगा सकते हैं। छोटे से हैं गणपति बप्पा मोरिया। देखिए ये हमने गणपति हमारा तैयार हो गए हैं। गणपति जी आप इनको कहीं भी लगाइए, कहीं टांगिए, मंदिर में टांग दीजिए। ये देखिए आप इनको कहीं भी चाहे तो ऐसे गणपति जी को ऐसे देखिए, ऐसे गणपति जी मंदिर में भी टांग सकते हैं और कहीं रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये हमारे गणपति जी तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी थोड़ा अगर डेकोरेशन करना चाहें तो डेकोरेशन भी कर देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ इनको गणपति जी के थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। अब हम इनको सिल्वर मोती लगाएंगे। ये देखिए हम यहाँ इनको सिल्वर मोती से थोड़ा सा इनके गणपति जी की डेकोरेशन करेंगे। ऐसे भी हम इनको गणपति जी के चारों तरफ कानों पे और मुकुट पे ऐसे ही मोती लगाएंगे।